नए महीने के साथ ही नए नियम बदल गए। आज यानी मंगलवार से अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपके आसपास कई चीजें बदल गई हैं। कुछ बदलाव आपको राहत देंगे तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाने वाले हैं। जो बदलाव हुए हैं उसमें सुकन्या समृद्धि योजना, आधार कार्ड, सीएनजी पीएनजी के रेट से लेकर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड और एलपीजी की कीमतों में बड़ा बदलाव शामिल है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको सारी खबर बताते हैं जिससे आप अपने घर का बजट आसानी से बना सकें। नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। दरअसल बेटियों के लिए शानदार योजना है और इसमें अब एक बड़ा बदलाव आया है। हुआ यह है कि आज से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही उनके खातों को ऑपरेट कर सकेंगे। मतलब ये कि अगर किसी शख्स ने बेटी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला है और वो कानूनी तौर पर उसका अभिभावक यानी पेरेंट नहीं है, तो ऐसे में उन्हें ये अकाउंट बेटी के कानूनी अभिभावक या फिर माता पिता को ट्रांसफर करना होगा। अगर नहीं किया गया तो फिर ये योजना बंद कर दी जाएगी। अगला बदलाव है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का। एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। यानी अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल के प्रोडक्ट के लिए अब आपके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा फिक्स कर दी है। इससे हुआ ये है कि कार्ड धारक यानी आप सभी जो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अब महीने में केवल एक बार ही इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये थोड़ा सा सेटबैक है एचडीएफसी ग्राहकों के लिए। बात तीसरे बड़े बदलाव की, जो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। और हुआ ये है आज यानी 1 अक्टूबर 2024 से पैन आधार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव है। और बदलाव है पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार अलॉटमेंट आईडी की अब जरूरत नहीं है। यानी इस आईडी को अब मेंशन नहीं किया जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर ऐसा सरकार ने क्यों किया है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि डुप्लीकेशन को रोका जाए, जो अभी काफ़ी ज़्यादा केस डुप्लीकेशन के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये वो बड़े बदलाव थे जो आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकते हैं। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, सरकार की तरफ से हर महीने रूल बदले जाते हैं। पिछले सितंबर में बदले गए थे और अब इस अक्टूबर में भी। अगर आप इन बदलावों से अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जेब जो है वो ढीली हो सकती है। फिर क्यों फालतू में अपने को नुकसान पहुंचाना, आप पैसे की हानि करवाना, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।